दोस्तों, विमेन्स T20 के वर्ल्ड कप मैच में भारत के खिलाफ हार मिलने के बाद बौखला गई पाकिस्तानी कप्तान फातिमा साना और फिर इंडिया की जीत पर दिए कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान। कह दिया कुछ ऐसा कि जिसे सुनकर आप भी रह जाओगे हैरान। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार क्या कुछ कह दिया है पाकिस्तानी कप्तान ने, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में एक और रोमांचक मैच भारत और पाकिस्तान का खेला गया। जब भी ये दोनों टीम आमने सामने होती है तो मैच तो रोमांचक होना ही होता है, और यही देखने को भी मिला। इस मैच में टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन ये फैसला पाकिस्तान पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि पाकिस्तान चाहती थी कि वो भारत के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम को 105 रन पर ही रोक दिया। जिसके बाद में जब इंडिया की टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई तो इंडिया ने भी अपना पहला विकेट जल्दी ही गंवा दिया था, लेकिन उसके बाद शेफाली वर्मा और जेमी माह ने मिलकर संभल कर बल्लेबाजी की। इन दोनों ने काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की और पाकिस्तान के गेंदबाजों को काफी अच्छे से खेला। हालांकि उसके बाद जरूर शेफाली आउट हो गई, लेकिन फिर लास्ट में हरमनप्रीत कौर ने टीम इंडिया को जीत दिलाई, वो भी 6 विकेट से। और इसी के साथ में इंडिया ने अपनी पहली जीत इस वर्ल्ड कप की हासिल कर ली और पाकिस्तान को पहली हार मिली। वही दोस्तों, अब इंडिया के खिलाफ हार मिलने के बाद पाकिस्तान की कप्तान ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। तो क्या कहा है पाकिस्तानी कप्तान ने, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान कप्तान फातिमा साना ने कहा कि मैं हमारी हार से काफी निराश हूं, हम इस मैच को जीत सकते थे। मेरे हिसाब से हमने बल्लेबाजी में थोड़े कम रन बनाए थे, अगर हम थोड़े रन और ऐड कर लेते अपने स्कोर में तो इस मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। हालांकि फिर भी हमारे गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की और वो मैच को अंत तक लेकर गए, लेकिन भारत की टीम ने ओवरऑल हमसे काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके वजह से ही उनकी टीम को आज जीत मिली है। भारत के पास में एक अच्छी टीम है जो चैंपियन बनने के लायक है। मेरे हिसाब से भारत ने आज काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, उसके वजह से ही उनको जीत मिली है। बाकी हरमनप्रीत कौर ने भी आज काफी अच्छी कप्तानी की, उनकी भी तारीफ बनती है, उन्होंने अपने गेंदबाजों को अच्छे से रोटेट किया। बाकी मुझे पूरा विश्वास है कि हम अगले मैच में वापसी करेंगे। तो दोस्तों, ये बयान पाकिस्तान को कप्तान ने दिया है, लेकिन आपके हिसाब से भारत की जीत का हीरो कौन है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।